Okay, assalamu alaikum everyone. Thank you for joining. I'm Isha. I'm the founder of AYAT Foundation. So a brief overview. Hum mainly kaam kar rahe hain regional empowerment pe, basically working with students from minority and underprivileged backgrounds. This can include ethnic, gender and religious minorities. And right now we're working with almost 50 students from Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan, Sindh, Gilgit and South Punjab. We have students from North Punjab as well, but zyada bache is waqt hamare paas KPs, Gilgit or Sindh ke hain. So today's webinar is on the Chinese scholarship and admissions. And we have with us Mudassir, who is a current scholar and an ENSO scholarship recipient in China. So wo ab aap logon ko basically sari details or overview denge, and then we can discuss your concerns. और आप लोगों के जो भी सवाल हैं आप लोग चैट बॉक्स में सेंड करते जाएं ताकि लाइक नो हम साथ साथ इसको एड्रेस कर लें. मिस्टर कैन यू अनम्यूट एंड यू कैन शेयर द स्क्रीन एज वेल. अच्छा यू विल नीड टू अनम्यूट एज वेल. आपकी आवाज़ नहीं आ रही. Oh, okay. Can you hear me? Yeah. Okay. Wait, I think. I am blind, but I want to become a doctor. क्या ये presentation show हो रही है आपको? जी. Okay, that's great. जी अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सर है और मैं अभी currently PhD कर रहा हूँ University of Chinese Academy of Sciences से. और मैं मेरा जो एडमिशन हुआ था वो 2022 में हुआ था. और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन ब्रीफली करवा दूं कि मैंने इससे पहले बीएस किया था इकोनॉमिक्स में एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से 2017 में. और उसके बाद मैंने एमफिल किया इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में पाइट से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इस्लामाबाद से 2020 में. और उसके बाद मैंने 2021 में मैंने इंडिपेंडेंट न्यूज़ पाकिस्तान ज्वाइन किया एज अ इकोनॉमिक राइटर, और जहाँ पर मैंने न्यूज़ आर्टिकल लिखे तकरीबन 150 के करीब. और उसके बाद 2022 में ही मेरा एडमिशन हुआ था ENSO स्कॉलरशिप के थ्रू इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन एनवायरनमेंट चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज में. और अभी यहाँ पर मेरा ये सेकंड ईयर है. उसके बाद सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होते हैं कि चाइना में जो है वो मास्टर डिग्री कितने साल की होती है. चाइना में जो मास्टर डिग्री है वो तकरीबन 2 से 3 साल की होती है, लेकिन यूजली जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप होता है CSE ENSO या कोई दूसरा स्कॉलरशिप जो कि फुली फंडेड हो वो 3 साल के लिए होता है. मतलब ये कि ये आप मैक्सिमम 3 साल में आपको डिग्री कंप्लीट करनी होती है मास्टर डिग्री. और जो PhD डिग्री है वो 3 से 5 साल तक के लिए होती है, और जो स्कॉलरशिप होता है वो यूजुअली 4 साल का होता है. मतलब 4 साल तक वो आपको फंडिंग जो है वो मिलती रहती है, आपको स्टाइपेंड मिलता रहता है. उसके बाद IELTS है. IELTS मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश प्रोफिशंसी लेटर चाहिए होता है. IELTS के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें IELTS या TOEFL वगैरह कंपलसरी होता है. उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि क्या CGPA मैटर करती है, मेरा CGPA कम है तो क्या मैं स्कॉलरशिप सिक्योर कर सकता हूँ कि नहीं. तो उसका आंसर ये है कि CGPA बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो स्टूडेंट्स अभी सेकंड थर्ड सेमेस्टर या फिर अभी 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 वो एजुकेशन उनकी चल रही है तो वो अपनी स्टडी पे फोकस ना करें और CGPA पे फोकस ना करें. सो उनको फोकस करना चाहिए, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए CGPA मैटर नहीं करती चाइना में ENSO या CSE स्कॉलरशिप के लिए. उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी है. एप्लीकेशन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी होती है, कुछ यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे आप एप्लीकेशन फ़ी के बगैर भी अप्लाई कर सकते हो. अब ENSO स्कॉलरशिप के अंडर दो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, USTC और UCAS, दोनों की एप्लीकेशन फ़ी नहीं है. आप बिल्कुल जो है वो फ्री ऑफ कास्ट उसमें अप्लाई कर सकते हो. उसके बाद है मेजर स्कॉलरशिप्स इन चाइना. ये मैंने कुछ स्कॉलरशिप्स निकाले हैं. हर यूनिवर्सिटी में एक से ज्यादा स्कॉलरशिप्स होते हैं. जो सबसे फेमस स्कॉलरशिप है वो है CSE, जिसको चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं. और मोस्टली जो स्टूडेंट्स आते हैं पाकिस्तान से वो CSE स्कॉलरशिप के थ्रू आते हैं. और एक स्कॉलरशिप है ENSO जो कि चाइना का हाईली पेड स्कॉलरशिप है. और उसके बाद यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी होता है जिसको प्रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप या प्रेजिडेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं. उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स होते हैं, जैसा कि बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, इस तरह के लोकल गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप भी होते हैं. तो ये मैंने सबसे पहले उसका स्टाइपेंड के बारे में लिखा हुआ है कि जो CSE का स्टूडेंट है उसको जो स्टाइपेंड मिलता है, अगर तो वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो उसको जो मंथली स्टाइपेंड मिलता है वो तकरीबन 3700 RMB पर मंथ मिलता है, और जो PhD का स्टूडेंट है उसको 4500. और ये पार्शली फंडेड भी होता है और फुली फंडेड भी होता है. ये जो स्टाइपेंड लिखा हुआ है मंथली स्टाइपेंड, ये है फुली फंडेड का, और पार्शली फंडेड जो है उनको इससे थोड़ा सा कम मिलता है स्टाइपेंड.
या और कुछ होते हैं स्टूडेंट जिनको मंथली स्टाइपेंड बिल्कुल भी नहीं मिलता, सिर्फ उनकी जो फी वगैरह होती है वो वेव ऑफ होती है और मंथली स्टाइपेंड उनको कोई नहीं मिलता। उसके अलावा अंशु है, अंशु जो है वो चाइना का हाईली पेड स्कॉलरशिप है और जिसमें मास्टर के स्टूडेंट को तकरीबन 4,000 RMB पर मंथ मिलते हैं और जो PhD का है उसको 7,000 और कुछ स्टूडेंट हैं उनको 7 से ज़ायद भी मिलते हैं। अब मुझे जो है वो तकरीबन मतलब 8,000 RMB के करीब जो है पर मंथ मुझे स्टाइपेंड मिल रहा है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप 1,800 से लेकर 4,500 RMB तक मिलते हैं मंथली स्टाइपेंड। इसमें यूनिवर्सिटी का जो स्कॉलरशिप होता है ये इसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, हर यूनिवर्सिटी ने अपनी कैटेगरीज बनाई हुई हैं, किसी यूनिवर्सिटी ने 2 कैटेगरीज बनाई हैं, किसी यूनिवर्सिटी ने 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, तो उसमें वो मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को वो स्कॉलरशिप देते हैं। उसके बाद जो बाकी स्कॉलरशिप्स हैं, लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, एक शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसमें भी तकरीबन 1,800 से लेकर 4,500 RMB तक मास्टर और PhD स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिया जाता है। अगर बात करें कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप और पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप की, तो जो CSE है उसमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी होते हैं और पार्शली फंडेड भी होते हैं। जो फुली फंडेड होते हैं उसमें तो होता है कि आपकी कोई फी नहीं होती, आपको जो है वो ट्यूशन फी वगैरह कोई नहीं होती, उसके अलावा आपको आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो भी तकरीबन 800 RMB होती है पर ईयर, वो भी वो स्कॉलरशिप में ही मतलब कि वो पे करते हैं 800 RMB। तो ये आता है फुली फंडेड में। जो पार्शली फंडेड होता है उसमें यूजुअली जो आपकी ट्यूशन फी होती है वो सिर्फ वेव ऑफ होती है, बाकी जो आपके जो रहने का खर्च आते हैं वो आपको खुद से बर्दाश्त करने होते हैं। उसके बाद जो अंशु स्कॉलरशिप है वो फुली फंडेड है, उसमें पार्शली फंडेड मतलब नहीं होता उसमें। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है उसमें भी फुली फंडेड और पार्शली फंडेड होते हैं, उसके अलावा जो अदर स्कॉलरशिप्स हैं उनमें भी ऐसे ही है। उसके बाद आज नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, जो CSE है उसके अंडर तकरीबन 280 यूनिवर्सिटीज हैं जो CSE के अंडर है। उसके बाद अंशु स्कॉलरशिप जो है उसके अंडर 2 यूनिवर्सिटीज है सिर्फ, USTC यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना और UCAS यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज। लेकिन उनके अंडर जब अब UCAS के अंडर तकरीबन 100+ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि मेरा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन इन्वायरमेंट, सो ऐसे ही 100+ रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बाद जो है वो आप यानी कि उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं अंशु स्कॉलरशिप के थ्रू। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होता है वो भी मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज में उनका अपना स्कॉलरशिप होता है, जिसको प्रेजिडेंट स्कॉलरशिप या प्रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप भी कहते हैं। उसके बाद जो अदर स्कॉलरशिप्स हैं जैसा कि शंघाई गवर्नमेंट या बीजिंग गवर्नमेंट, सो वो स्कॉलरशिप भी कुछ यूनिवर्सिटीज में होता है, कुछ में नहीं होता। उसके बाद जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है, जो CSE डेडलाइन है, वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, मतलब ये कि जो यूनिवर्सिटी की डेडलाइन होगी वही CSE की डेडलाइन होगी। और उसके बाद अंशु स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है वो February 2024 है, अभी कल ही इन्होंने USTC ने अनाउंस किया 15 February। सो उसके बाद जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है वो भी वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और यूजुअली जो इन यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन होती है वो 15 मार्च या फिर 30 मार्च इसके आसपास होती है, यही होती है। और इसी तरह रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है या दूसरे स्कॉलरशिप। थैंक यू फॉर कवरिंग दिस। कैन वी लाइक वुड यू लाइक टू टेक द क्वेश्चंस इन बिटवीन, क्योंकि 2-3 लोगों ने हैंड्स रेज किए हैं। ओके ओके या अच्छा सो सबा कैन यू अनम्यूट जी। बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा सवाल ये है कि जो CSE का जब हम पोर्टल सर्च करते हैं CSE ऑफिशियल, तो वहाँ पर जो है कुछ यूनिवर्सिटीज वो मुझे नहीं बताया कि उसका एप्लीकेशन फी नहीं है, लेकिन जब हम उसको इंडिविजुअली गूगल के अंदर सर्च करते हैं तो वहाँ पर जो है उनका एप्लीकेशन फी मेंशन होता है, तो ये क्या सीन है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं। शायद आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो CSE की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मेरा नहीं ख्याल ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि उनकी एप्लीकेशन फी है या नहीं है। जो CSE की ऑफिशियल वेबसाइट है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सर्च करते हैं CSEofficial.com, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है campuschina.org, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और उस ऑफिशियल वेबसाइट पे फी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यूनिवर्सिटी की फी की। वो आपको जो यूनिवर्सिटी फी की इन्फॉर्मेशन वो आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट से ही मिलेगी। जी बिल्कुल, ये आगे मैंने ये दिया हुआ, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं उसको प्रॉपर जो है ना आपको बता सकूं इसके ऊपर, गूगल क्रोम के ऊपर, कि कैसे आपने यूनिवर्सिटी सर्च करनी है और कैसे आपने प्रोग्राम सर्च करना है campuschina.org के थ्रू। एनी अदर क्वेश्चन? I think there's someone called Imran. He has his hand raised. Okay. Yeah. मेरा जो क्वेश्चन ये है कि मतलब वार के जो चाइनीज के जो स्कॉलरशिप होते हैं अक्सर जो ये बैचलर्स के लिए प्रेफर नहीं करते हैं, मास्टर्स के लिए, PhD होल्डर्स के लिए, तो क्या वहाँ पे जो है लैंग्वेज मस्ट होते हैं, मतलब कुछ यूनिवर्सिटी से जो है वो रिलेटेड, मतलब अगर गवर्नमेंट वहाँ पे चाइनीज की जो गवर्नमेंट है वो कुछ स्कॉलरशिप जो है वो उसके अनाउंस करते हैं, कुछ वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज होते हैं वो अनाउंस करते हैं, तो ये जो रिलेवेंट है मतलब ये किस तरह, मतलब कुछ बता सकते हो, गाइड कर सकते हो इस चीज़ से रिलेटेड?
नहीं, मुझे क्वेश्चन आपका क्या, क्वेश्चन की समझ नहीं आई, क्या मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं, मतलब क्या आप स्कॉलरशिप का क्या समझ रहे हैं? मैं जस्ट ये पूछना चाहते हूँ, मतलब जो चाइनीज स्कॉलरशिप वगैरह होती है वो किस तरह, मतलब कि हमें कौन से, मतलब हमें हमारे लिए जो मस्ट जो अच्छा होता है, जहाँ पे हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, मतलब जहाँ पे कोई स्टाइफंड वगैरह हो, कोई इस तरह रिलेटेड हो, तो वो जो है यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड जो है, जो यूनिवर्सिटीज जो अनाउंस किए होते हैं, वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज होते हैं वो भी कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है, एक वहाँ की बिल्कुल गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप देती है। बिल्कुल, जो जो सीएससी है ये चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, और जी जी और जो यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप है जिसको प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप या प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप कहते हैं, ये यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप होता है। और ये जो जी आंसू जी जैसे स्कॉलरशिप है, वो ये जी जो जी आंसू मैं सुन रहा हूँ स्कॉलरशिप है, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलके और चाइनीज गवर्नमेंट मिलके आपस में जो है ये स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर करती है। सो ये एक बड़ा ना जी इनका कोऑर्डिनेशन है जो है ना, गवर्नमेंट और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। जी और सर इससे रिलेटेड बस जस्ट वन क्वेश्चन ये है सर, सर हमें बाज वक्त हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर होते हैं कि किसी के भाई कुछ रिक्वायरमेंट्स टॉफिल और आइल्स वगैरह ये होती है, कुछ गवर्नमेंट्स के जो है वो मतलब वहाँ पे जो है इंग्लिश टॉट प्रोग्राम भी हो सकते हैं, वो खुद ऑफर करते हैं, लेकिन सबसे पहले उससे हमें ये चीज़ गाइड नहीं किया जाता है, उससे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, जैसे पासपोर्ट तो हो गए, पासपोर्ट होना चाहिए, वह डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन कैसे करवानी है, क्या वो जल्दी हो सकते हैं, अभी सीसी से किस तरह करवाने हैं, इसी से रिलेटेड हमें गाइड नहीं किया जा सकता। देखें, आप जो ये जो आईबीसीसी और ये जो एचईसी वेरिफिकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वेरिफिकेशन है, ये आपने जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है ये उसके बाद होती है। जी अप्लाई के टाइम पे सिर्फ आपको जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो आपने नोटराइज करवाने होते हैं ये कचहरी से, वो वहां से जी सिर्फ और नोटराइज करवाने होते हैं, उसके अलावा कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, पासपोर्ट की जरूरत होती है ये अप्लाई के टाइम पे। जी, और सर इससे रिलेटेड जो है मतलब वो पासपोर्ट तो वो जो मैंडेटरी होती है, वो जब आप अप्लाई कर रहे हो वो तो वहाँ पे ही पासपोर्ट नंबर मेंशन करना होता है, वो स्टार्टिंग में होता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जी हाँ जी बिल्कुल, ये मैंडेटरी होता है पासपोर्ट। ओके। और सर वो मतलब वो दूसरी बात सर, वो जो वहाँ पे जो उसकी एप्लीकेशंस वगैरह होती है तो उसमें कुछ जो फी वगैरह वो ले लेते हैं, क्या वो फिर रिफंडेबल होती है? नहीं, रिफंडेबल नहीं होती, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो बहुत ही कम है, कोई एक दो होगी शायद जो रिफंड करती होगी, लेकिन यूजुअली रिफंड नहीं करते। ओके 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 सर, थैंक्स फॉर यू सर। और कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो इनिशियल रिव्यू के बाद एप्लीकेशन फी लेती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपसे एप्लीकेशन फी लेती हैं, इस तरह की यूनिवर्सिटी। ओके ओके सर, थैंक्स फॉर यू सर। ओके अच्छा, देन देयर इज समन समन, कैन यू अनम्यूट? सॉरी, आई कांट हियर यू। सर व्हाट्स द डेडलाइन फॉर सीएसई? मैम, कुड यू एक्सप्लेन प्लीज, बिकॉज़ आई आई शी इज आस्किंग अबाउट द डेडलाइन एप्लीकेशन। ओह ओके ओके ओके, डेडलाइन, ओके, यस, आई थिंक ओके, जो एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अगर आप सीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मतलब ये कि अगर एक यूनिवर्सिटी की डेडलाइन जो है वो 15 फरवरी है, तो आपने 15 फरवरी से पहले अगर आप सीएससी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल और सीएससी पोर्टल दोनों पे अप्लाई करना होगा 15 से पहले पहले। और अगर एक एक यूनिवर्सिटी है उसकी डेडलाइन जो है वो 15 जनवरी है, तो आपको 15 जनवरी से पहले सीएससी पोर्टल और उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा। ये इस तरह से वेरी करती है सीएससी के लिए, लेकिन आंसू के लिए वो एक ही डेट अनाउंस होती है ये आंसू के लिए। ठीक है गाइस, प्लीज सेंड योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स और वेट टिल द एंड, ताकि हम एक दफा प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लें, ताकि हो सकता है जो कुछ आप लोगों के जो सवाल है उनका जवाब पहले जी, प्रेजेंटेशन। बिल्कुल, नेक्स्ट वन। अच्छा मतलब यू कैन कंटिन्यू, अगर आप चाहें तो यू कैन आल्सो मेक इट फुल स्क्रीन, ताकि थोड़ा बड़ी भी हो जाए आई स्लाइड। थिंक ये फुल स्क्रीन है, आई थिंक नहीं ऊपर वो प्रेजेंटेशन वाला नहीं आ रहा, नहीं, ये मैंने तो इट्स बिगर नाउ। ठीक है इट्स ओके, फाइन, इज इट ओके? या सॉरी, ठीक है, इट्स परफेक्ट, इज इट ओके ना? यस ओके। उसके बाद है कि आप कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, जो सीएससी के थ्रू आपने अप्लाई करना है उसमें सिर्फ आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने सीएससी में भी अप्लाई करने के तीन तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप एचईसी के थ्रू अप्लाई करें, एक होता है आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करें, एक होता है आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। सो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा, और बहुत सारे और भी जो है लोग यही रिकमेंड करेंगे कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, क्योंकि जो एचईसी है उनके पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स होते हैं। सो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास दो या तीन ये एक्सेप्टेंस लेटर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपके पास एक ही ऑप्शन है सीएससी की, तो आप एक यूनिवर्सिटी में करें सीएससी के अंडर, और दूसरी यूनिवर्सिटी में आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या फिर जो कोई और स्कॉलरशिप है उस यूनिवर्सिटी में, उस स्कॉलरशिप के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आंसू स्कॉलरशिप है उसमें भी आप, उसमें तो हैं ही दो यूनिवर्सिटीज, तो दो में से आप एक पे अप्लाई कर सकते हैं एक टाइम पे। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है उनकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें।
उसके बाद जो दूसरे स्कॉलरशिप्स हैं उनमें भी कोई लिमिट नहीं है कि आप जो है जितनी मर्जी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो अदर बेनिफिट्स हैं उसमें जो सीएससी है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी इंक्लूड होती है, और जो आंसू है जो कि मैंने बताया था कि चाइना का हाईली पेड स्कॉलरशिप है, इसमें आपको जो फर्स्ट टाइम जब आप ट्रैवलिंग मतलब करते हैं पाकिस्तान से आते हैं इधर इधर चाइना में, तो उसकी भी ये आपको आपको देते हैं ये ना पैसे देते हैं। और उसके बाद जो वीज़ा फी है वो तकरीबन 400 RMB ये देते हैं। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस है वो हर साल ये 800 RMB देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है वो मतलब कि उसका कोई मतलब कि कोई फिक्स वो नहीं है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक वो क्राइटेरिया होता है, तो इस वजह से ये चीज़ें ऊपर नीचे वेरी करती रहती हैं। कुछ लोग कुछ यूनिवर्सिटीज देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी नहीं देती, कुछ यूनिवर्सिटी का एक साल डिफरेंट होता है क्राइटेरिया, दूसरे साल डिफरेंट होता है, तो इस तरह से होता है। इसी तरह ये दूसरे स्कॉलरशिप्स हैं। उसके बाद ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, यूजली यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ में। सबसे पहले आपके पास एक अच्छी सी सीवी होनी चाहिए, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यूरोपास पे बनाएं सीवी। और दूसरा आपके पास स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल। जो लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको उनको स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान चाहिए, और जो लोग पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए रिसर्च प्रपोजल उनके पास होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि नोटराइज हों, यानी कि आप किसी भी कचहरी से जाके वो आप स्टैम्प वगैरह लगवा सकते हैं, और आगे मैं जाके आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा ये सभी डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है जो आप अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर है जो आप एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर से आप बनवा सकते हैं। उसके बाद फॉरनर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, ये फॉर्म आपको गूगल पे आप लिखेंगे तो आपको जो है ना जगह जगह ये मिल जाएगा। एम्बेसी की वेबसाइट पे भी है, सीएससी की वेबसाइट पर भी मौजूद है ये फॉर्म 2 पेजेस का होता है, और आप हॉस्पिटल से जाके आप जो है वो फिल करवा सकते हैं। उसके बाद पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस है आप उधर से जाके बनवा सकते हैं। उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर है, ये कंपलसरी नहीं है लेकिन जो है वो अगर ये आपके पास हो अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपलसरी होता है, कुछ के लिए ये कंपलसरी नहीं है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में कंपलसरी नहीं है। और ये आंसू स्कॉलरशिप के लिए भी जो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक के लिए कंपलसरी है और दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी नहीं है। अब UCAS जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ इस यूनिवर्सिटी में ये एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी है, और जो दूसरी यूनिवर्सिटी है USTC उसमें कंपलसरी नहीं है। और लास्ट में पर्सनल एक्सक्यूज मी, आई थिंक योर स्लाइड इज स्टक ऑन 4, आई थिंक यू नीड टू मूव ऑन 5। Can you see this? और लास्ट पे है पर्सनल स्टेटमेंट। और पर्सनल स्टेटमेंट और जो स्टडी प्लान है जो मास्टर्स के लिए होता है ये तकरीबन सेम होता है, इसमें कोई इतना वो जो है डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, ये एप्लीकेशन प्रोसेस है कंप्लीट। सबसे पहले आपको जो है वो सीवी बनानी है और दूसरे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, आपने यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढनी है वो मैं इसके बाद वाली स्लाइड में आपको आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद आपने ईमेल्स करनी है प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, जो कि अभी से स्टार्ट हो चुकी हैं, और ये आप तब तक कर सकते हैं जब तक उस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है। तो तब तक आप कैन यू चेंज द स्लाइड, या फिर से स्टक हो गया। कैन यू सी द एप्लीकेशन प्रोसेस? यस ओके। सो उसके बाद आपने ईमेल्स करनी है, अभी से आप ईमेल स्टार्ट कर दें, और ये आपका पहला स्टेप भी है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप एक अच्छी सी सीवी बनाएं और ईमेल स्टार्ट कर दें प्रोफेसर्स को, ताकि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल सके। अगर एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी नहीं भी है तब भी अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होगा तो ये आपके 70-80% चांसेज होंगे आपके एडमिशन होने के। उसके बाद आप अप्लाई करें, और उसके बाद आप अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप जो है वो वीज़ा के लिए अप्लाई करें। उसके बाद कैन यू सी द नेक्स्ट स्लाइड, हाउ टू मेक अ सीवी? यस ओके। अब आ जाए सीवी के ऊपर। सीवी जो है ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है अगर आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं तो। ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यूरोपास पे बनाएं, और इसमें आप कोई ऑनलाइन कोर्सेज, ये मैंने 2 लिंक भी दिए हुए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक का और FAO का। अगर आप इकोनॉमिक्स के या एग्रीकल्चर के या फिर जो है वो इन्वायरमेंट के स्टूडेंट हैं तो आप इन वेबसाइट पर जाके इधर से ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट विद सर्टिफिकेट्स। और आप अपनी सीवी में ये चीज़ें लाजमी उसमें ऐड करें। उसके अलावा आपने कोई रिपोर्ट लिखी है, यूजुअली बैचलर में ये होता है कि आप ये आखिरी सेमेस्टर में रिपोर्ट लिखते हैं कोई, आप वो रिपोर्ट लाजमी उसमें ऐड करें। उसके बाद कोई सर्टिफिकेट है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है या सोशल एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी है आप उसको उसके बारे में भी लाजमी इसमें लिखें। और जो सीवी होती है, जो एकेडमिक सीवी आपने इस चीज़ के लिए बनानी है, वो डिटेल्ड होनी चाहिए, वो शॉर्ट रेज्यूमे टाइप नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ी डिटेल्ड होनी चाहिए। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल और स्टडी प्लान है, इसको मैंने थोड़ा सा बताया कि जो रिसर्च प्लान और स्टडी प्लान है वो मास्टर्स के लिए होता है, और रिसर्च प्रपोजल पीएचडी के लिए होता है। और स्टडी प्लान आपने जो है वो मिनिमम 800 वर्ड्स का बनाना है, और जो रिसर्च प्रपोजल है वो 1200-1500 आर एनफ। और जो डिफरेंस है इन दोनों में मेन वो ये है कि जो स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान होता है वो थोड़ा जनरल होता है, उसमें आप बताते हो कि मैं चाइना क्यों आना चाहता हूँ, मैं इस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहता हूँ। जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड होता है, मतलब कि उसमें आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखने होते हैं, आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखनी होती है,
और उसके नीचे ये मैंने दो लिंक दिए, ये दो वीडियोस हैं और ये भी आप देख सकते हैं अगर आपने फर्दर इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लोर करना है। उसके बाद ये है कि आपने यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढनी है अपनी फील्ड के रेलेवेंट, और यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर जो है ये मैं आपको दिखाता हूँ। Can you see this, the Google Chrome? No, not yet. Yeah, it's visible now. Okay. So ये official website है CSE की, campuschina.org, ये official site है और ये यहाँ पे ये देखिए scholarship application for students, यहाँ से आप CSE की website पे apply करते हो। आपने इस website पे जाना है और ये universities and programs पे जाना है, और ये सेकंड ऑप्शन है सर्च कैटेगरीज एंड प्रोग्राम्स, और इस पे आप जब सेलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरह से आपके पास आएगा, और इसमें आप सबसे पहले डिग्री सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स या पीएचडी किसी भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मास्टर है और इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है उसमें आप चाइनीज या इंग्लिश, आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हो, और प्रोग्राम में आप फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स लिखते हो और ये सर्च आउट करोगे तो ये जो मास्टर प्रोग्राम्स हैं इकोनॉमिक्स के रेलेवेंट ये सारी यूनिवर्सिटीज की डिटेल आ जाएगी, कि जिस तरह शिंगाई यूनिवर्सिटी है रीजनल इकोनॉमिक्स और ये मास्टर करवा रहे हैं, और इसका जो ड्यूरेशन है वो है 3 साल का ड्यूरेशन है। इस तरह से ये तकरीबन 129 जो प्रोग्राम्स हैं वो आपके पास आ गए हैं, और ये चाइना की तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज के ये प्रोग्राम, और तकरीबन ये सभी यूनिवर्सिटीज जो है वो CSE के अंडर आती हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से जो है वो अपना प्रोग्राम ढूंढ सकते हैं कि मेरा जो स्पेसिफिक प्रोग्राम है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। इस तरह से आप CSE का ढूंढ सकते हैं, और उसके बाद आता है उसका जो आंसू स्कॉलरशिप। आंसू स्कॉलरशिप के लिए ये है UCAS और UFCC, या दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। ये जो UCAS है इसके अंडर 100+ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे PhD लिखें, और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो ये आंसू स्कॉलरशिप है इनका ज़्यादा फोकस बेसिक साइंस है, जैसा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है जुआलॉजी है इस तरह की फील्ड्स हैं, इनका जो ज़्यादा फोकस जो है वो ये सोशल साइंस ये इकोनॉमिक्स नहीं है इनका ज़्यादा फोकस। बहुत कम आपको ये प्रोग्राम मिलेंगे जो ये सोशल साइंस के रिलेटेड, ज़्यादातर आपको जो है वो बायोलॉजी और ये फिजिक्स केमिस्ट्री के रेलेवेंट ही मिलेंगे। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ, सॉरी ये देखिए अभी मैंने ये इन्वायरमेंट लिखा, अब ये इन्वायरमेंट के रेलेवेंट जितने भी वो आ गए हैं मतलब कि प्रोग्राम्स ये ऑफर कर रहे हैं ये UCAS वाले और ये आंसू स्कॉलरशिप के थ्रू है। जैसे कि इन्वायरमेंटल साइंस मैंने क्लिक किया तो ये इन्वायरमेंटल साइंस जिन इंस्टीट्यूट्स में इन्वायरमेंटल साइंस मास्टर्स करवा रहे हैं तो ये सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, आप इन सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के प्रोफेसर को ईमेल्स कर सकते हैं एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। सो इस तरह से आपने इन यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढना है, यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स को ढूंढ के उनको उनके प्रोफेसर्स को ईमेल करनी है। अभी ये आपका पहला टास्क है कि आपने सबसे पहले उसका एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आप ट्राई करें कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए। मुदस्सिर कैन यू स्क्रॉल डाउन क्योंकि नजर नहीं आ रही वो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट पर। आई थिंक इट्स ऑटोमेटिकली जब मैंने ये सर्च पे किया तो वो जो है वो सेकंड मतलब चला गया सेकंड उसके ऊपर। ओके मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। जी So I think if you could show your entire screen, it would be okay. If you would show your entire screen, that way it would be. Can you see now? Yes. Can you sir reload yes. Reload. Oh okay. Yeah. So इस तरह से जो है ये research institutes सभी आ जाएंगे। अब आप किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट पे जाके उसमें से आप उनके प्रोफेसर्स को देख के अपनी जो आप जो भी आपके इंटरेस्ट के मुताबिक या आपकी फील्ड के मुताबिक है आप उनको ईमेल कर सकते हैं। सो ऐसे आपने प्रोफेसर को जो है वो अप्रोच करना है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आंसू स्कॉलरशिप और CSE स्कॉलरशिप के लिए। सो मैं अभी दोबारा वापस आता हूं अपनी स्लाइड्स पे। सर जो हमने मेल लिखनी होती है उसके भी मेन कंपोनेंट्स बता दें कि उसमें क्या चीजें मेंशन करने की जरूरत है। जी वो आगे नेक्स्ट में है जो है ना वो मैं दिखाता हूं आपको। GGPA and getting a scholarship. आपको ये प्रेजेंटेशन नजर आ रही है आपको? यस। ओके सो ऐसे आपने जो है वो CSE और आंसू स्कॉलरशिप के लिए इस तरह से आपने जो प्रोफेसर्स जो है ना वो ढूंढने हैं और अपने जो रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज को ढूंढना है और उनको
ईमेल्स करनी है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, और उसके बाद है कि मास्टर डिग्री वेयर एन इकोनॉमिक स्टूडेंट कैन अप्लाई। अब ये स्लाइड डालने का मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि आपकी जो फील्ड है, अब फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बैचलर किया इकोनॉमिक्स में, अभी उसके पास अगर वो एमफिल करना चाह रहा है तो उसके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। वो सिर्फ एमफिल इकोनॉमिक्स में ही नहीं कर सकता, वो एमफिल इंटरनेशनल ट्रेड, एमफिल अप्लाइड इकोनॉमिक्स, वेस्टर्न इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, इस तरह से मतलब मुख्तलिफ फील्ड्स में वो अप्लाई कर सकता है। अब जिस तरह से राइट साइड पे मैंने एक यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो मैंने स्क्रीनशॉट लेके मैंने जो है वो शेयर किया हुआ है, इसमें आप देखें कि वो एक यूनिवर्सिटी है और एक यूनिवर्सिटी में कितने सारे जो है वो प्रोग्राम्स हैं जो कि इकोनॉमिक्स के रेलिवेंट हैं। जिसने भी बैचलर किया इकोनॉमिक्स में वो एम फिल में इन इन प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है। सो इसलिए आपको सिर्फ अपनी जो स्पेसिफिक फील्ड है उसी के साथ जो है ना वो स्टिक नहीं रहना चाहिए, आपको जो है वो अपनी फील्ड को थोड़ा सा मतलब के थोड़ा सा नैरो डाउन होकर दूसरी फील्ड में मतलब के वो जाना चाहिए आपको। उसके बाद है कि ईमेल फॉर्मेट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। अच्छा, ये ईमेल का फॉर्मेट है, आपने करना यह है कि आपने इस तरह से ईमेल का बॉडी पैराग्राफ लिखना है और उसका सब्जेक्ट लाइन होगी रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, और जो है वो एक्स वाई जी की जगह पे उस प्रोफेसर का नाम आएगा, और इस तरह से आपने जो पहला पैराग्राफ लिखना है उसमें अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, और दूसरे में उसको बताना है कि मैं जो है वो आपकी प्रोफाइल देखी तो इस तरह से मैं जो है ना आपके साथ काम कर रहा हूं। प्लीज चेंज योर स्क्रीन स्लाइड स्टक, सॉरी, कैन यू सी नाउ? यस, कैन। ओके ओके, ये ईमेल का फॉर्मेट है जो कि आपने जो आपका पहला स्टेप भी है कि अगर आपने जो है वो अभी से स्टार्ट करना है तो आप एक अच्छी सी सीवी बना के उसके बाद आपने इस तरह से ईमेल का बॉडी पैराग्राफ है ये आपने ईमेल करनी है प्रोफेसर्स को, और ईमेल्स कहाँ से ढूंढनी है वो भी मैंने पहले बता दिया कि इस तरह आपने जो है यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाना है। सो आपने ईमेल्स करनी है और इसके साथ सिर्फ आप सीवी अटैच करें, एक अच्छी सी सीवी बना के वो इसके साथ अटैच करके बस डेली जो है 15-20 प्रोफेसर्स को ईमेल करते जाएं, और इंशाल्लाह जो है वो कहीं ना कहीं से आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाएगा। सो अगर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाता है और एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिल जाता है तो आपके जो है चांसेज जो है वो काफ़ी जो है ना हाई होंगे आपके ये एडमिशन के लिए। वालेकुम सलाम सर, माइंड नहीं करना सर, वो मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी ये थोड़ा सा इस बेसिक चीज़ बताते, मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, कुछ आइडिया नहीं। तो सर मैंने अप्लाई किया था बैचलर के लिए, हमने अभी एफ एस सी किया ना, तो सर हमारा कहीं भी ऐसा हमें तो कोई रिप्लाई नहीं करता सर, इसका सीन पता नहीं, कोई कहता तुम्हारे डॉक्यूमेंट ठीक नहीं थे, तुम्हें आइडिया ही नहीं था इस वजह से तुम्हारा नाम। जो सर सी एस सी स्कॉलरशिप है सर, इसका क्या सीन है? लेकिन ये जो बैचलर वाले ज़्यादातर आते हैं, ये लोग आते हैं जो चाइनीज लैंग्वेज प्रोग्राम होता है ये उसमें आते हैं। आपने कौन से प्रोग्राम में अप्लाई किया था? सर BScS के अंदर सर, कंप्यूटर साइंस। ये उनके ये जो है वो बहुत ही कम हैं जो ये जो अंडर ग्रेजुएट में ऐसे प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स बहुत कम ये कम लेते हैं। ज़्यादातर जो अंडर ग्रेजुएट वाले आते हैं वो आते हैं जो इनका चाइनीज़ प्रोग्राम होता है, चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोग्राम, उसमें सिर्फ ये लैंग्वेज अपना कल्चर वो सारी चीज़ें सिखाते हैं। अच्छा सर, ये स्टिपेंड मिलता है बैचलर पर या नहीं होता है सर, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें। जी जी बिल्कुल, क्योंकि कंसल्टेंट वो कहते हैं नहीं मिलता बैचलर पर, किसी को नहीं मिलता है, मास्टर और एमफिल मतलब उसको मिलता है, बैचलर को मिलता है। इधर एक लाहौर का लड़का है, एक गिलगित का भी लड़का है हमारे साथ की यूनिवर्सिटी है, ख्वाचाओ यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी से वो दोनों कर रहे हैं लैंग्वेज में, चाइनीज़ लैंग्वेज में, और लैंग्वेज में वो चाइना का मतलब कल्चर हर चीज़ वो जो है ना वो पढ़ाते हैं उसमें, और उनको तकरीबन मेरा ख्याल है 1800 से 2000 RMB पर मंथ मिलता है, जो कि कोई बहुत कोई सेविंग तो नहीं होती उससे, लेकिन जो है वो ये है कि मतलब कि वो मतलब कि अच्छा है, वो ठीक है अपने जो है रहने के लिए अच्छा ठीक है। सर वो जो मतलब वो जो कर रहे हैं तो ये वो चाइनीज लैंग्वेज में सर, वो कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं या सिर्फ वो लैंग्वेज ही सीख रहे हैं? नहीं, सिर्फ लैंग्वेज सीख रहे हैं, सिर्फ लैंग्वेज। अच्छा सर, आपने कभी सुना ये बीएस इंजीनियरिंग वालों को मिला हो स्कॉलरशिप? नहीं, मैंने वैसे कभी नहीं सुना, लेकिन मैंने कुछ लड़के देखे हैं जो अपने खुद जो है वो सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक, थैंक यू सर। उसके बाद ये एक्सेप्टेंस लेटर है, ये एक्सेप्टेंस लेटर इस तरह से होता है, और यूजुअली नहीं, खैर 50-50% कह लें कि जो प्रोफेसर होता है वो स्टूडेंट को कहता है कि कोई सैंपल जो है ना आप मुझे भेज दें, मैं उसके ऊपर सिग्नेचर कर दूंगा। तो इस तरह का एक्सेप्टेंस लेटर होता है, ये आपने जो अपना फिल करके, अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके आपने सेंड करनी होती है, वो प्रोफेसर फिर इसके ऊपर जो है वो सिग्नेचर या स्टैंप लगा देता है। तो फिर उसके बाद आप जब आप अप्लाई करते हैं तो ये लेटर वहाँ पर अपलोड कर देते हैं, तो वो जो है वो एडमिशन के चांसेस काफ़ी जो है वो हाई हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आपने जो नोटराइज़ करवाना है, आपने फोटोकॉपी करवा के उसको नोटराइज ऐसे करवाना है, ये दो तीन स्टैंपें होती हैं, और ये आपने अपनी जो कचहरी या करीबी कचहरी आप उधर से जाके जो है ना ये करवा सकते हैं, जब आपने अप्लाई करना है उस टाइम पे ये चाहिए होगा। उसके बाद ये इंग्लिश प्रोफिशंसी लेटर है, जहाँ से आपकी जो लास्ट डिग्री है आप वहाँ से बनवा सकते हैं, इस तरह से सिंपल के जो मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था जो इस प्रीवियस डिग्री का वो इंग्लिश था, सो इस तरह का आपने एक इंग्लिश प्रोफिशंसी लेटर भी आपके पास होना चाहिए।
ये है रिकमेंडेशन लेटर है, ये आपने जो भी आपकी जो जो लास्ट यूनिवर्सिटी है आप उसके जो प्रोफेसर है आप उनसे रिकमेंडेशन लेटर बनवा सकते हैं, बनवाने होते हैं दो रिकमेंडेशन लेटर, और वो दोनों आपने जब आप अप्लाई करते हैं वहाँ पे अपलोड करने होते हैं। और ये है फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, ये दो पेजेस का होता है, ये आप जो है वो आपको गूगल पे जो है ना मिल जाएगा, ये मैंने नीचे लिंक भी दिया हुआ वैसे, और इधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप किसी भी हॉस्पिटल चले जाएं, ये जो है जस्ट फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद दोबारा से आपका जो है वो प्रॉपर सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, वो आप भले पाकिस्तान से इस्लामाबाद से करवा लें, स्पेसिफिक उनके होते हैं, जैसे ये इस्लामाबाद में चाइनीज आकोपंक्चर सेंटर है, अगर उधर से करवा लें तो वेल एंड गुड। ये आपका एडमिशन होने के बाद का बता रहा हूँ, ये जो फॉर्म है ये आप किसी भी हॉस्पिटल से ये फिल करवा सकते हैं, ये आप जब आप अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए ये तब चाहिए होगा। और उसके बाद ये पर्सनल स्टेटमेंट है, पर्सनल स्टेटमेंट में जो है ना आपने जो है वो बताना होता है कि मैं चाइना क्यों आना चाहता हूँ, मैं इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहता हूँ, इस तरह की जनरल चीज़ें लिखनी होती हैं इसमें। और उसके बाद इसमें मैंने कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट लिंक्स जो है ना वो मैंने ये लिखे हुए हैं इसमें। सबसे पहले यह है कि जब आपने सीएससी के लिए अप्लाई करना है उसका लिंक है कि आपने कौन सी वेबसाइट पे करना है, उसके अलावा जो ये मैंने आपको इससे पहले मैंने ओपन करके भी दिखाया जो इंस्टीट्यूट से ये यूकेएस के उसका लिंक है, उसके बाद अप्लाई कैसे करना है यूएसटीसी में यूकेएस में, ये आपने जब आप अप्लाई करना होगा तो तब ये लिंक्स जो है ना ये सारे काम आएंगे। उसके बाद जो दूसरे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिस तरह शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है, बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्कॉलरशिप है, जो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है इसके अंडर तकरीबन 35-36 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी है ये शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की। और मैं ये रिकमेंड करूँगा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला हुआ है तो एटलीस्ट वन यूनिवर्सिटी में आप भले फीस के साथ भी सबमिट मतलब कर दें अप्लाई। उसकी वजह यह है कि जो फी के साथ यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, सो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे। तो ये सारे स्कॉलरशिप्स हैं। और उसके बाद सबसे अब मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि आपका जो सबसे पहला टास्क है, अगर आप बिल्कुल नए आप जो है वो जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपने सबसे पहले जो है एक अच्छी सी CV बनानी है। आपने ये जो मैं वेबसाइट बताई थी campuschina.org, इस वेबसाइट पे जाना है, उधर से आपने अपना प्रोग्राम सर्च करना है, यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, यूनिवर्सिटी ढूंढ के आपने उसके प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल करनी है। ये आपका ये पहला टास्क है। और अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर ये बता दें जो सर अब हम बैचलर पर जाएंगे सर, ये जो रिकमेंडेशन लेटर सर ये यूनिवर्सिटी से बनवाने हैं या मतलब कॉलेज से सर? नहीं ये तो फिर जो है ना ये जो मैंने डॉक्यूमेंट सारे बताए हैं ना ये डॉक्यूमेंट है मास्टर्स या PhD के लिए। बैचलर के लिए शायद डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें मैंने बैचलर्स को जो है ना वो नहीं बताया मैंने। अच्छा बाकी सर ये जो CSE स्कॉलरशिप है सर इसका क्या तरीकाकार अप्लाई करने का सर, हमें कुछ आइडिया नहीं है इसका अप्लाई का तरीकाकार यही है कि जो मैंने वेबसाइट बताई है campuschina.org, उस यूनिवर्सिटी में जाके उसमें दो तीन ऑप्शन आते हैं जहाँ पे बैचलर है, मास्टर है, PhD है, वहाँ पे आप बैचलर सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद अपनी आप जो है वो देखो कि बैचलर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज करवा रही हैं, आप उन यूनिवर्सिटीज वेबसाइट पे जाके उनको जो प्रोफेसर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। और CSE में अप्लाई करने के लिए आप दो जगहों पर अप्लाई करते हो, एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है और दूसरा CSE की वेबसाइट है। ठीक सर ये जो CSE स्कॉलरशिप मतलब है उसमें उसकी वेबसाइट पे एक दफ़ा अप्लाई करेंगे ना और बाकी हर यूनिवर्सिटी में तो खुद से करेंगे बार बार? CSE के थ्रू आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो और दो जगह पे अप्लाई करना आपने, एक CSE की वेबसाइट पे और एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, दैट्स इट। ठीक सर ये कब से मतलब स्टार्ट होंगे CSE स्कॉलरशिप ये बैचलर? अभी ये जो है वो अक्टूबर है, नवंबर से मेरा ख्याल है नवंबर या दिसंबर में अनाउंस हो जाएंगे, नवंबर के सेकंड या थर्ड वीक में हो जाएंगे। ठीक सर थैंक यू सर जजाक अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि लाइक हम एक जो रिसर्च सेंटर है उसको हम पॉइंट आउट करते हैं तो उसके हम कितने प्रोफेसर्स को हम लाइक हमें ईमेल करनी चाहिए, क्योंकि एक रिसर्च सेंटर में लेट्स सपोज एक सब्जेक्ट है लाइफ साइंसेज तो उसमें मल्टीपल प्रोफेसर्स होंगे और आपका इंटरेस्ट मतलब मैच कर रहा है तो आप कितना है कि रिकमेंडेशन होती है कि आप मतलब दो को तीन को या एक को ही उसको मेल करनी चाहिए? आप जितने मर्जी प्रोफेसर को ईमेल करें, इसमें दो चीज़ें मैं आपको बता दूं। एक तो ये कि ये जो अंशु स्कॉलरशिप है ना ये बड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब ये कि मेरे साथ जो लोग हैं वो उनका जो बैकग्राउंड है, एक लड़के ने BS इन्वायरमेंटल साइंस किया BZU से, अभी वो MPhil कर रहा है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में,
मतलब ये कि ये जो है ना मतलब बड़े मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि ये इनके पास बेसिकली होते हैं प्रोजेक्ट्स और एक प्रोजेक्ट में काम करने के लिए उनको डिफरेंट फील्ड्स के लोग चाहिए होते हैं. सो इसलिए आप सिर्फ यही ना करें कि आप सिर्फ अपनी फील्ड के बारे में, फॉर एग्जांपल अगर आप एक इन्वायरमेंटल साइंस का बंदा है वो सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंस ही देखिए, वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर को भी अप्रोच कर सकता है, नंबर वन. और नंबर टू, जब भी आपने ई मेल करनी है तो ई मेल आप जी मेल से ना करें ई मेल, क्योंकि यहाँ पे गूगल जो है वो काम नहीं करता, गूगल की कोई भी जो है वो काम नहीं करती, जी मेल हो गया या गूगल क्रोम वगैरह ये वो. सो आप जो है वो याहू हॉटमेल या फिर आउटलुक जो है वो इस्तेमाल करें, ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो गूगल से करेंगे तो वो उनके डायरेक्ट जो है वो स्पैम बॉक्स में, स्पैम में चली जाएगी उनकी जो है ना ईमेल. ओके ओके सर, वो जो उनकी मेल मोस्टली मेंशन होती है वो उसी याहू वगैरह की होती है? नहीं, ये इनका अपना है सारा सिस्टम, इनका याहू वो नहीं है, इनकी अपनी होगी ईमेल ना, ईमेल ये यूजुअली यूज करते हैं, क्यूक्यू यूज करते हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल ईमेल जो आईडी होती है जिस तरह से, और लास्ट पे जो है वो डॉट सीएन होता है, यूजुअली ये वो वाली यूज करते हैं. सर मेरा सवाल है, सुबह जो है मैंने एक प्रोफेसर को मेल किया तो मुझे विद इन 10 मिनट्स उनका रिस्पांस आया, मतलब पॉजिटिव रिस्पांस था. तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो सोशियोलॉजी का है और अभी मैं साइकोलॉजी के लिए अप्लाई कर रही हूँ, मतलब मेजर तो सोशियोलॉजी होगा लेकिन जो रिसर्च इंटरेस्ट है मेरा वो सोशल साइकोलॉजी होगा. तो अब जो मैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ये जो बाकी चीज़ मैं लिखूँगी तो क्या वो मुझे सोशियोलॉजी जो मेरा मेजर है उसको सामने रख के लिखना चाहिए या फिर सोशल साइकोलॉजी का टच जो है वो ज़रूरी है उसके अंदर? देखिए, मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप उस प्रोफेसर के इंटरेस्ट के मुताबिक लिखें, मतलब ये क्या उसने जो है ना मतलब क्या आपके साथ जो है ना वो रिसर्च करवानी है ना, तो आप उस प्रोफेसर के इंटरेस्ट के मुताबिक जो है ना वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वगैरह लिखें. ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी. सर, ये आजकल जो बैच मतलब फ्यूचर में सर किसका स्कोप है, बीएससीएस का या सॉफ्टवेयर का, आईटी का? सर यार ये अभी आप जो है वो किसी वो जो एक्सपर्ट बंदा हो इस चीज़ का वो उससे जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादा बेस्ट आंसर दे सकता है वैसे. नहीं सर, लेकिन आप फ्यूचर जो है लोगों को तो आइडिया होगा. टेक्नोलॉजी का ही दौर है तो जो है ना वो आप जो है वो देख लें, बाकी मैं जो है ना इस पर कोई कमेंट नहीं जो है ना वो कर सकता क्योंकि ये मेरी फील्ड है, मुझे इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं है, मैंने जो है इतना ज़्यादा इसको एक्सप्लोर नहीं किया. आपने कौन कौन सी दो फील्ड्स कौन कौन सी बताई? सॉफ्टवेयर एंड आईटी. यार ये असल में ना मैं जिस ये इंस्टीट्यूट में हूँ ये टोटली है ये इन्वायरमेंट के रेलेवेंट है, अर्बन इन्वायरमेंट, यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है और जो है ना वो बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, छोटा सा इंस्टीट्यूट है तो वो बस, मुझे जो है ना इन फील्ड्स का कितना आइडिया नहीं है, मैं कुछ नहीं जो है ना वो कह सकता इसके बारे में. अच्छा सर, आपको अपनी सीवी में जो अपना टाइम है उसको जस्टिफाई करना पड़ता है, लाइक कोई गैप नहीं होना चाहिए उसमें. तो अगर आप मास्टर्स के बाद अगर किसी, क्योंकि एक साल लग जाता है क्योंकि चाइना के प्रोसेस में, तो अगर आप पाकिस्तान के किसी इंस्टीट्यूट से एमफिल परस्यू कर रहे हैं लाइक वो कोई भी एक अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट हो सकता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो क्या वो सीवी में मेंशन करना चाहिए या उसको जो है वो छोड़ देना चाहिए, डायरेक्ट सीवी में यही मेंशन करना चाहिए कि बैचलर्स कंप्लीट है? यार ये डिपेंड करता है कि वो आपसे लाजमी पूछेंगे, अगर वो उन्होंने आपसे इंटरव्यू लिया तो वो इंटरव्यू में लाजमी पूछेंगे कि आप जो है वो जहाँ पे अभी आप हैं तो वो क्यों छोड़ना चाहते हैं, तो आपके पास कोई ना कोई सॉलिड रीजन होनी चाहिए कि मैं ये छोड़ के तो मैं उधर आऊँगा. सो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप जो है इस चीज़ को डिफेंड कर सकते हैं तो आप लिखते हैं, अदरवाइज जो है ना आप ना भी लिखे तो कोई मतलब उसमें नहीं है. मेरा तो मशवरा यही है कि आप जो है ना लिखे तो ज़्यादा बेटर है. अस्सलाम वालेकुम सर. एक इनसिक्योरिटी होगी कि पता नहीं ये स्टूडेंट जो है उधर से छोड़ के आएगा या नहीं आएगा. जी जी वालेकुम सर. हम एचईसी और सीएससी में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं? एचईसी और सीएससी? जी सर, एचईसी की तरफ से जो चाइनीज स्कॉलरशिप आती है. HEC की तरफ से जो आती है वो CSC ही होती है. बेसिकली CSC में अप्लाई करने के तीन तरीके हैं, एक तरीका HEC के थ्रू है, एक तरीका एम्बेसी के थ्रू है और एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो. सो अगर आप HEC वाला लेते हैं तो वो फिर जो है ना इधर आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो बेहतर यही है कि आप जो है वो डायरेक्ट अप्लाई करें यूनिवर्सिटी में. सर एक मेरे को एक्सेप्टेंस लेटर. जी सर, ये कि CSC के लिए एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो कितना मैटर करता है CSC में यानी सिलेक्शन के लिए? देखिए एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर हो और एक स्टूडेंट के पास ना हो, जारी सी बात है वो एक्सेप्टेंस लेटर वाले स्टूडेंट को ही प्रेफर करेंगे. और ये ऑल्दो के एक्सेप्टेंस लेटर कोई गारंटी नहीं होता कि 100% एडमिशन की, लेकिन 70-80% आपकी गारंटी होती है कि आपका एडमिशन हो जाएगा. और सर कब तक ले सकते हैं प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर? जब तक एडमिशन की डेडलाइन है. मुझे जो एक्सेप्टेंस लेटर मिला था वो मुझे मिला था एडमिशन की जो डेडलाइन थी फरवरी थी, तो उससे दो हफ्ते पहले मिला था. मैंने बहुत कोशिश की थी, मुझे एक्सेप्टेंस लेटर नहीं था मिला, फिर उसके बाद जो है ना बस
मिल गया, दो हफ्ते पहले मिला था, तो वो इसकी कोई वो नहीं है, जब तक यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है तब तक आप बस ट्राई कर सकते हैं। सर सीएससी के लिए हम एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, तो जहां का मिलेगा एक्सेप्टेंस लेटर दैट्स इट, सिर्फ हम उसी यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करेंगे, फिर कहीं और का चांस नहीं रह जाएगा। बिल्कुल, आप वहीं अप्लाई कर, मतलब ये मतलब कि करेंगे, लेकिन आप ऐसी यूनिवर्सिटी जिसकी एप्लीकेशन फी नहीं है उसमें भी आप यूनिवर्सिटी के अपने स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप है उसकी तो कोई लिमिट नहीं है कि आप एक आखिरी क्वेश्चन बताइएगा। जी जी सर, देखें इसका जो मुझे अब तक तरीकाकार समझ आया कि वो ये है कि पहले आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, देन आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेनी है, एंड देन यू हैव टू अप्लाई फॉर सीएससी स्कॉलरशिप, लाइक वो ये प्रोसीजर होगा। तो लेट सर हमें एक्सेप्टेंस भी आ जाती है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो जाता है, तो जो हमारी स्कॉलरशिप है इसके क्या सर पैरामीटर्स हैं, इसको वो किन बेसिस हैं जिन पे हमें ये कंफर्मेशन होती है कि हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी? लेकिन जब आप ये अप्लाई करते हैं ना, तो अप्लाई करने के बाद फिर आपका जो यूनिवर्सिटी है वो ओके करती है, ओके करके आपका जो सीएससी को आपका नाम भेजती है। जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे ना, तो उसके स्टार्टिंग में ही ऑप्शन होगा कि आप कौन से स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है या लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है कोई भी, या फिर जो है वो सीएससी है। आप वहाँ पे सीएससी सिलेक्ट करते हो, आप चाइना की किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करते हैं सबसे पहला ऑप्शन यही आता है। आप अगर वहाँ पे सीएससी आपने सिलेक्ट किया है तो मतलब ये कि आप सीएससी पोर्टल पे भी अप्लाई करेंगे, और अगर यूनिवर्सिटी ने आपका नाम ओके कर दिया तो फिर यूनिवर्सिटी जो है आपके डॉक्यूमेंट भेजती है सीएससी को, सीएससी भी अगर कंफर्म कर दे तो फिर आपको जो है वो एक फाइनल कॉल आ जाती है। लेकिन बहुत ही कम केसेस में होता है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है लेकिन सीएससी ओके नहीं करता, सीएससी कहता नहीं हम जो है ना वो नहीं दे सकते स्टूडेंट को, बहुत कम होता है चांसेस इस चीज़ का। ज्यादातर केसेस में यही होता है कि वो सीएससी भी मतलब ओके कर देती है और यूनिवर्सिटी भी ओके कर देती है। CGPA जो है वो कोई इतना मैटर नहीं करती, CGPA जो है वो मतलब के बस ठीक है, ये बस 3 से ऊपर हो इट्स ओके, मतलब कितना कोई वो मैटर नहीं करती। इज देयर एनी रेंज फॉर इट? नहीं, कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से भी, कोई इतनी कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, बस जो है ना वो इसकी कोई इतनी नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी। मेरा जो अपना CGPA था वो मैं आपको बता दूं, मेरा जो CGPA था वो बहुत कम था, मेरा जो बैचलर का CGPA था वो 2.9 था, और जो मेरा मास्टर्स का CGPA था वो मेरा 3.2 था, और लेकिन मुझे जो है ना वो थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, बिकॉज मैं जो है वो तकरीबन कोई 26-27 जो है ना मुझे रिजेक्शन भी मिली, लेकिन वो मैं चाइना से नहीं मिली, वो मुझे बाकी कंट्री से मिली थी, यूएसए से और इधर उधर से, बस जो है ना उसके बाद जो है ना वो फिर चाइना में मुझे कभी रिजेक्शन नहीं मिली, ये मेरा पहले ये मतलब पहली दफा ही था और मेरा एडमिशन हो गया, लेकिन मैंने एक्सेप्टेंस लेटर लिया था मैंने। All right, thank you. सर आपने सीएससी और आपके सामने आंसू भी थी एएनएसओ, तो आपने सर एएनएसओ क्यों प्रेफर किया? लाइक यार अंशु जो है ना वो चाइना का हाईली पेड स्कॉलरशिप है, मतलब ये कि इसका जो स्टाइपेंड है वो जो सीएससी है उससे डबल है, तकरीबन डबल है। अब वो अगर जी 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 4000 RMB ले रहे हैं, 4000 4500, और मुझे जो मिल रहा है वो तकरीबन 7500-8000 RMB मिल रहा है, तो जो है ना वो जारी सी बात है बंदा जो है ना वो आंसर स्कॉलरशिप को प्रेफर करे। तो सर अगर रेज्यूमे में इंटर्नशिप्स हो, अगर आपका एक साल का तकरीबन वर्क एक्सपीरियंस भी हो अलॉन्ग विद योर स्टडीज, तो एएनएसओ बेस्ट रहेगा सर एक्सेप्टेंस चांसेस हैं? ये हाँ बिल्कुल हैं, आप जो है ना वो बस प्रोफेसर को जो है ना कोशिश करें, उनको जो है ना ईमेल्स वगैरह करें, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जो भी जितने भी यूनिवर्सिटीज, जो दो यूनिवर्सिटीज आती हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट आते हैं आंसू स्कॉलरशिप के अंदर, उनको आप ईमेल्स वगैरह करें, उनको कन्विंस करने की कोशिश करें कि आई एम द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम सर, मैंने ये पूछना था कि आंसू स्कॉलरशिप के लिए डेडलाइन कब तक है? आंसू स्कॉलरशिप की डेडलाइन है 15 फरवरी, ये जो है ना कल ही अनाउंस किया, हफ्ते वाले दिन मेरे ख्याल जुम्मे वाले दिन या हफ्ते वाले दिन यूएसटीसी ने जो है ना वो अनाउंस किया कि आप जो है ना 22 से लेकर 20 या 22 अक्टूबर से लेकर आप 15 फरवरी तक ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यूएसटीसी में बता दूं, यूएसटीसी में आप बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के भी आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो यूकेएस है उसमें एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी है। सर मेरा लास्ट सेमेस्टर है, तीन मारे थे मेरी फरवरी में डिग्री पूरी ना ली है, तो मैं आंसू के लिए अप्लाई कर सकता हूँ 7 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट पे? जी जी बिल्कुल आप जो है ना ये अप्लाई कर सकते हो, आप बस जो है ना कोशिश करो कि अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए, अगर मिल जाता है वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं भी मिलता तो आप देखें अगर आपका प्रोग्राम जो है वो आप यूएसटीसी में है, यूएसटीसी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना उसमें है, तो आप उसमें बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के भी अप्लाई कर सकते हैं। सर वो उधर मैं पिछले महीने तकरीबन 6 सितंबर को ना मेरा दोस्त गया है साइबर सिक्योरिटी में, तो वो गया है सीएससी वाली में, तो उधर उन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर मांगा है, तो मैं आईटी में जाना चाहता हूँ, मैं मास्टर करना चाहता हूँ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। तो आपका बीएस आईटी में? जी नहीं, मेरा बीबीए है मगर मुझे एमआईटी करनी है आगे। सही हो गया, लेकिन इसके ना अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोफेसर है वो जो है वो उसके पास कोई प्रोजेक्ट है या वो जो है ना ऐसे स्टूडेंट के साथ काम करेगा जिसका बैकग्राउंड मैनेजमेंट का है और आगे वो डिग्री जो है ना वो आईटी में करना चाहता है, प्रोफेसर जो है उस स्टूडेंट को वो प्रेफर करेगा जिसका बैचलर जो है वो आईटी में हो और वो मास्टर्स के लिए आना चाहता है।
सर अगर किसी का एमएस का कोई ना हो कैप और एमएस के बाद कैप आ जाता है ये सेक्शन में कितना ये इफेक्ट करेगा? कुछ प्लीज प्लीज रिपीट द क्वेश्चन क्योंकि ये शोर आ रहा बीच में। जी सर मैं पूछ रहा था कि अगर किसी का एमएस का कोई गैप नहीं आता स्टडी का कोई गैप जी जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या क्या कर जी जी आ रही है सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर किसी का एमएस तक कोई गैप नहीं है एक सेमेस्टर का भी नहीं है बिल्कुल और आगे वो फिर पीएचडी के लिए जब वो अप्लाई करता है तो अप्लाई करता है साल बाद यानी कि एक साल का गैप आ गया तो वो जो साल का गैप है वो कितना अफेक्ट करेगा उसकी पीएचडी के लिए सिलेक्शन का? साल का कोई इतना मैटर नहीं करता है ना, इसकी जो एज लिमिट है वो तकरीबन 40 इयर्स है पीएचडी की, तो मैंने कुछ स्टूडेंट देखे हैं जो 40 से भी एक दो साल ऊपर नीचे हैं तो वो कोई इतना कोई नहीं करता मैटर, मतलब कि एक साल का कोई इतना वो नहीं है, इशू नहीं है। सर मेरा क्वेश्चन है सर, सर आपने ये चीज ऑब्जर्व किया होगा आपने भी पाकिस्तान स्टडी की, सर चाइना बेस्ट है सर पाकिस्तान से, मतलब काफी बेस्ट है या कितना फर्क सर बैचलर पे? मतलब किस सेंस में आप बात करें, मतलब के कंट्री वाइज स्टडी वाइज या फिर जो है फैसिलिटीज वाइज? नहीं स्टडी वाइज सर, वो कहते हैं कि जस्ट अब देखो सर, अब हम मैं इस टाइम पढ़ रहा हूं यूनिवर्सिटी में, तो सर हम तो मतलब जितने भी होते हैं तो वो हम इंडियन को फॉलो करते हैं, वहां से हम अपनी कोडिंग को अच्छा करते हैं, लेकिन सर ये चाइना में क्या सीन है सर? चाइना में यार मैं आपको आईटी का तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपनी फील्ड का लाजमी ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, और ये लोग जो है ना वो मतलब कि फैसिलिटेट करते हैं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं, अगर कोई बंदा काम करने वाला है ना तो ये जो है ना बहुत अच्छा जो है ना वो इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को। सर चाइना के एक ड्रॉबैक बताया जाता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज यू हैव टू गेट बैक इन योर कंट्री, तो सर इस हवाले से थोड़ा सा बता दें कि क्या आफ्टर जो कंप्लीशन ऑफ योर रेलेवेंट डिग्री तो आपके लिए वहां क्या चांसेस हैं, क्या आप वहां सेटल हो सकते हैं, अपना जो है वो लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आप जो है ना वो कर सकते हैं, यहाँ पे ये बहुत सारे लोग हैं जो लोग ये इधर जो है ना जॉब कर रहे हैं, इसमें ये होता है कि अगर आपको लैंग्वेज आती है चाइनीज लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हैं तो आपके बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस हैं यहाँ पे आपको जॉब लेने के, अगर आपको चाइनीज लैंग्वेज आप सीख लेते हैं तो, और अगर आप थोड़ा सा मतलब कि इसको जो है ना थोड़ी सी मेहनत करें तो चाइनीज लैंग्वेज आप सीख सकते हैं इसलिए यहाँ पे। सो बहुत सारे दोस्त भी हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं स्कूल्स में एज अ इंग्लिश टीचर और अच्छी अच्छी खासी जो है ना वो सैलरी जो है ना वो ले रहे हैं, इधर जॉब मिल जाती है इसलिए कोई इतना मुश्किल नहीं होता। सर पीएचडी का कितना ये दुरानिया ये लग जाता है चाइना के अंदर अगर बंदा पीएचडी करे? अच्छा पीएचडी में जो है वो चाइना में वो पाकिस्तान वाले हिसाब नहीं होता कि जो है ना वो 6-7 साल, उस तरह नहीं होता, यहाँ पे जो है वो मिनिमम 3 ईयर है, मैक्सिमम जो है वो 5 ईयर्स है, लेकिन जो स्कॉलरशिप होता है यूजुअली जो सीएससी भी आंसू भी है ये है 4 ईयर्स के लिए है, मतलब कि और डिग्री भी तकरीबन 4 ईयर में या फिर 4 ईयर से कोई 6 महीने ऊपर लगा लें या हो सकता है साल एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन वो भी उसका भी अगर आपका प्रोफेसर अच्छा है तो वो उसके लिए भी आपको पे करेगा, यानी कि अगर स्कॉलरशिप खत्म हो जाता है तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम होगा उधर वो उसके लिए पे करता है उसके लिए जो प्रोफेसर है। सो 3 से 4 साल जो है ना यूजुअली जो है वो 4 साल में मतलब कंप्लीट हो जाती है ये पीएचडी। सर पाकिस्तान में अगर किसी का कायदे आजम में या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो तो उसको एडमिशन हुआ हो या हो जाए तो उसको क्या कोशिश करनी चाहिए चाइना जैसे कंट्री में या किसी और कंट्री में, या उसको पाकिस्तान में ही कंटिन्यू करना चाहिए हर हवाले से? ये डिपेंड करता है अगर उसके जो है ना फाइनेंशियल हालात कैसे हैं, अगर तो वो अफोर्ड कर सकता है भाई वो जो है ना तो वो लाजमी कर ले वो जो है ना उधर से कर ले, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो जो है ना मेरा ख्याल चाइना इज द बेस्ट ऑप्शन। और चाइना में जब आते हैं तो यहाँ पे आपको एक सिग्निफिकेंट जो है ना वो एक इंस्टीट्यूट ये जो एजुकेशन सिस्टम है और यहाँ पे किस तरह से काम किया जाता है ये टोटली डिफरेंट है पाकिस्तान से, फैसिलिटीज वाइज भी और जो रिसोर्सेज वाइज भी। सर वो कहते हैं स्टूडेंट काम नहीं कर सकता है मतलब पार्ट टाइम, सर ये बात सही है सर बैचलर वाला या ऑनलाइन तो सर कर सकते हैं ना उसका? बिल्कुल ये जो ना ऑनलाइन कर सकते हैं आप जो है ना जॉब आप, लेकिन ऑफिशियली जो है ना वो अलाउ है, लेकिन अलाउ आपको जो है ना वो परमिशन लेनी होती है अपने प्रोफेसर से, और प्रोफेसर अगर आपका फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो वो प्रोफेसर कभी भी आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप जो है ना जॉब करो। सो और थोड़ी रिस्ट्रिक्शन भी आपकी जो है ना वो मतलब चेक एंड बैलेंस है इनका, कि ये जो है ना वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि ये स्टूडेंट है और ये जॉब कर रहा है नहीं कर रहा क्या कर रहा है, सो इस वजह से जॉब स्टूडेंट नहीं करते यहाँ पे, लेकिन ऑनलाइन जो है ना काम मतलब करते होंगे करते हैं स्टूडेंट, वो कोई मसला नहीं। थैंक यू सर। सर आपने स्टडी प्लान और मोटिवेशनल लेटर के बारे में कहा, लाइक इसमें डिफरेंस क्या है? लाइक स्टडी प्लान में हम एरिया ऑफ रिसर्च एंड इंटरेस्ट के बारे में लिखते हैं और मोटिवेशनल लेटर में पर्सनल इंफॉर्मेशन और पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में लिखते हैं, या इसका कोई दूसरा कंपोजिशन या स्ट्रक्चर, ये कैसे होता है एक दूसरे से, कैसे दोनों डिफरेंट है? आपने आई थिंक मैंने मोटिवेशनल लेटर मैंने जिक्र नहीं किया,
लेकिन आपने मोटिवेशनल लेटर का जिक्र किया, इसके लिए मोटिवेशनल लेटर नहीं, ये नहीं चाहिए। मैंने दो चीज़ों का जिक्र किया था, स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान, और दूसरा मैंने जिक्र किया था जो रिसर्च प्रपोजल का। जो स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान होता है वो थोड़ा जनरल होता है, उसके 6 से 7 पैराग्राफ होते हैं। पहला पैराग्राफ होता है आपने जनरल अपने बारे में बताना होता है, जो दूसरा पैराग्राफ होता है उसमें आपने जो है वो अपनी अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताना होता है, जो थर्ड पैराग्राफ होता है उसमें अगर आपने कहीं पे जॉब की है वो बताना होता है, जो फोर्थ पैराग्राफ होता है उसमें आपने बताना होता है कि व्हाई आई वांट टू कम टू चाइना, मींस आपने उसमें जो है बताना होता है कि चाइना जो है वो एक डाइवर्स कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री है, तो इस वजह से मैं चाइना में आना चाहता हूँ, चाइना के पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन है, इस वजह से मैं आना चाहता हूँ, ये मेरा जो होम टाउन है या मेरा जो जो पाकिस्तान है उसके करीब है तो इसलिए मैं आना चाहता हूँ। इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसके बाद वाले पैराग्राफ में आप लिखोगे कि आप मैं जो है वो ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, वाई नॉट एनी अदर यूनिवर्सिटी, उसमें आप ये लिख सकते हो कि उसमें आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देख सकते हो, अगर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है तो आप उसमें लिख सकते हो कि इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है तो मैं इसलिए यहाँ पे अप्लाई करना, ये मतलब कि अप्लाई करना चाह रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें आप जो है ना उसमें लिखते हो। लेकिन जो आपका रिसर्च प्रपोजल होता है वो टोटली रिसर्च ओरिएंटेड होता है, उसमें आप जो है एक प्रॉपर जो है एक्सपेक्टेड टाइटल लिखते हो, उसके बाद अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लिखते हो, उसके बाद टाइटल के बाद आप जो है ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हो, इंट्रोडक्शन के बाद ऑब्जेक्टिव्स लिखते हो, ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखते हो, उसके बाद आप कुछ लोग जो है ना ऐड कर देते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और कुछ लोग नहीं करते, वो जो है ना वो आप ना भी करें तो फिर भी ओके है, उसके बाद जो है ना आपके रेफरेंसेज वगैरह आते हैं। ये रिसर्च प्रपोजल जो है ये पीएचडी में अप्लाई करना चाह रहे हैं ये उनके लिए है, जबकि जो मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो एक जनरल जो है वो बना सकते हैं स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्टडी प्लान ज़्यादातर फॉरेन यूनिवर्सिटी वो ऑनलाइन या कंप्यूटर बेस्ड चेकअप करते हैं ये स्टडी प्लान और सारा स्कॉलरशिप प्रोसेस, सो हमें जेनेरिक या नेचुरल लिखना चाहिए या कोई कीवर्ड्स टारगेट करनी चाहिए? यार आप जो है वो जिस तरह मर्जी लिखें लेकिन खुद से लिखें, मतलब ये ना करें कि आप बस जो है ना किसी ने लिखा हुआ है उधर से कॉपी पेस्ट कर लें। हाँ एक जो है आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से लिखना है और वो आप खुद से लिखें जो आपके माइंड में है, और अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी वो आपके लिए ईजी होंगी, कोई इतना मुश्किल नहीं होगा आपका। अगर इसमें थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा बहुत अच्छा भी नहीं भी होगा फिर भी जो है ना चल जाएगा, कोई इतना मैटर नहीं करेगा। थैंक यू। If anyone else has questions, आप लोग unmute करके पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि मेरा बैचलर्स है मैथमेटिक्स में ना, सही। और यह कि मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ तो मैंने कोई भी कोर्स वगैरह नहीं किया हुआ ना कोई वर्क एक्सपीरियंस है, तो मैं सीवी में क्या ऐड करूँ या उसके बारे में आप मुझे कुछ थोड़ा गाइड कर दें, क्योंकि सीवी इसमें लिखने को कुछ है ही नहीं, तो उसके बारे में अगर आप मुझे कुछ बता दें तो। ये देखें आप जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, आप जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज वो शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा लंबे कोर्सेज ना करें, आप जो है वो शॉर्ट कोर्सेज 4 आवर्स 5 आवर्स या मे बी 3 आवर्स वो वाले कोर्सेज कर लें तो आप वो उसमें ऐड कर सकते हैं। उनकी सर्टिफिकेशन होती है? हाँ होती है, ये कुछ की मतलब मिल जाती है सर्टिफिकेशन, कुछ की ऑनलाइन जो है ना कोर्स या कुछ कोर्सेज हैं उनके ऑनलाइन जो है ना वो आपको ईमेल कर देते हैं, इस तरह से भी होता है तो। और इनका कोई इतना चेक एंड बैलेंस भी नहीं होता, आप जस्ट जो है ना वो टाइटल लिख सकते हैं उसमें, इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। Kindly, आप कोई साइट बता सकते हैं जहाँ पे ये फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं? ये हाँ, ये किसी ने जो है वो किया कोर्सिया एडेक्स है, उसके अलावा जो है आपकी अपनी फील्ड्स के होंगे, जिस तरह से मैंने बताया कि ये इकोनॉमिक्स वाले जो है ना वो कर सकते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की वेबसाइट पे, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे मौजूद हैं, उसके अलावा जो है वो FAO की वेबसाइट पे हैं, उसके अलावा काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। इसी तरह आपकी जो फील्ड है उसके रेलेवेंट भी जो है ना काफ़ी सारे होंगे, आप जस्ट गूगल पे सर्च करें अपनी फील्ड का नाम लिखिए और साथ लिखिए ऑनलाइन कोर्सेज, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, तो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी सर, एक्चुअली मैं मतलब GC था सर, बस फिर वो मेरा मेडिकली एक मैं अनफिट हुआ था मेडिकल की वजह से, तो मेरा दिल काफ़ी टूट गया था, तो फिर सर मैंने एडमिशन लिया इस्लामाबाद में, तो BScS के अंदर। तो सर हमने जो स्कॉलरशिप जो सर हमें मिले हैं सर, वो हमें PF के मिले हुए मैट्रिक में, मतलब मैंने तो गवर्नमेंट स्कूल से स्टडी की, तो सर इस तरह के स्काउट के सर्टिफिकेट वो हम ऐड कर सकते हैं CV में, मतलब या कोई प्रॉपर कोर्स मतलब वो करना है सर, ये थोड़ा सा गाइड कर दें। नहीं नहीं, ये जो सोशल एक्टिविटीज़ है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, तो क्या चाइना में तो डोमेन लैंग्वेज चाइनीज है, तो क्या वहाँ लिंग्विस्टिक के रिलेटेड फील्ड्स है कि मैं वहाँ मास्टर में दाखिला ले सकूँ? ये जो है ना लिंग्विस्टिक के बहुत ही कम हैं, लेकिन हैं सही,
कुछ मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जो यहाँ पे लिंग्विस्टिक में जो है ना इंग्लिश में इंग्लिश लिटरेचर में जो है वो मास्टर्स कर रहे हैं और यहाँ पे हैं स्कॉलरशिप लेकिन बहुत कम है, कुछ तरह से इतनी ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर इनका जो फोकस है वो ये आईटी सीएस और बेसिक साइंस में बेसिक साइंस वाली फील्ड्स हैं, सोशल साइंस वाली फील्ड्स हैं, मैनेजमेंट वाली साइड वाली फील्ड्स हैं। और ये जो लिंग्विस्टिक है ये स्कॉलरशिप हैं सही लेकिन बहुत कम है। ये मेरे ख्याल बीजिंग का कोई इंस्टीट्यूट है वो करवा रहा है इसमें लिंग्विस्टिक। ओके सर, सर मैं अभी फ्रेश हूँ तो क्या मुझे कोई रिसर्च पेपर लिखना पड़ेगा पहले से या नहीं? नहीं, रिसर्च पेपर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन अगर आपके पास हो तो ये एक मतलब प्लस पॉइंट कह लें, ये बड़ा हेल्पफुल होता है लेकिन जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ओके सर, थैंक यू। सर सीवी कितने पेजेस की होनी चाहिए? एक भाई ने भी और भी क्वेश्चन किया हुआ था यही सेम। सीवी का? जी सर सीवी का। सीवी कितने पेजेस की होनी चाहिए? सीवी जो है आप मतलब के पेजेस का मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन ये डिटेल्ड होनी चाहिए आपका जो है वो ये रिज्यूमे टाइप नहीं होनी चाहिए। अब मेरी जो सीवी थी वो तकरीबन मेरा ख्याल है 4 से 5 पेजेस की थी। वो जो रिज्यूमे टाइप सीवी होती है वो यूजुअली आप जॉब्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हो कि टू दी पॉइंट आप अपना एजुकेशन बताते हो, अपना जो है वो अगर आपने कहीं पर जॉब की है वो बताते हो, दैट्स इट। लेकिन ये जो स्कॉलरशिप वगैरह के लिए जो एकेडमिक सीवी होती है वो थोड़ी डिटेल्ड होती है, उसमें आपने अपनी सोशल एक्टिविटीज इस तरह की चीजें आपने सारी चीजें बतानी होती है। अच्छा, यूजुअली जो होता है ना अगर आपका पेपर बहुत अच्छा है तो आप जो है ये दो तरह के मेन जर्नल्स होते हैं ये I have presented my research work in international chemistry conference and I am second prize winner among 250 international students. Okay, सही हो गया। तो उधर से आपको कोई नहीं मिली फंडिंग वगैरह या उधर से कोई जो है ना आपको वो प्रोफेसर या कोई जर्नल ओनर कोई इस तरह से कोई नहीं मिला कि जो? Unfortunately, I haven't applied. Oh, okay. So, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये होता है कि ओपन एक्सेस से होता है कि जो है ना ओपन एक्सेस ना हो। अब दो मतलब कि अगर ओपन एक्सेस होगा तो वहाँ पे आपको जो है वो पे करना होगा और इंटरनेशनल जो जर्नल्स हैं उनकी अच्छी खासी जो है ना वो पे करना पड़ता है उनके लिए। सो जो अगर आपका ओपन एक्सेस नहीं है तो उसके लिए अगर आपका पेपर बहुत अच्छा है तो आपको जो है वो जो ओपन एक्सेस नहीं है उस जर्नल को आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें जो है वो कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। सर डू माय प्रोफेसर हेल्प मी इन दिस? अब ये आपके प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं, लेकिन चाइना में तो यही होता है, चाइना में यही होता है कि प्रोफेसर जो है ना वो ये पे करते हैं। पाकिस्तानी जो है ना वो तकरीबन जो अब जो मेरा एक दोस्त था उसने पेपर जो है पब्लिश किया था उसका मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कोई 1 लाख या 1.5 लाख लगा था। सो वो सारा वो जो प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट था उसमें से उसने पेमेंट की थी। सो ये प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, अगर उसके पास रिसोर्सेज हैं तो वो जो है ना कर सकता है अच्छे जर्नल। सो ये प्रोफेसर टू प्रोफेसर, ये प्रोफेसर वेरी करता है, अगर उसको जो है ना अगर उसके पास रिसोर्सेज हुए तो अब मैं कुछ कह नहीं सकता, प्रोफेसर का अपना जाना होगा। ऑलराइट, थैंक यू। सर ये जो कंसल्टेंट होते हैं सर, ये लोग कहते हैं हम इतना चार्जेस कराएंगे, ये खुद ऑनलाइन अप्लाई करते हैं जस्ट या सर इनके लिंक होते हैं सर? ये थोड़ा सा मिसगाइड है सर, इसको कंफ्यूज खत्म करें। यार मैं पर्सनली जो है ना इस चीज़ पे मतलब नहीं, मैं नहीं रखता कि अगर आपने जो है ना वो अप्लाई करना है ना तो आप जो है ना खुद से मेहनत करें, आपको जो है वो किसी कंसल्टेंट या किसी मतलब उसको नहीं करना चाहिए या अप्रोच नहीं करना चाहिए, आपको खुद से जो है वो थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। और उनके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो चाइना में इस तरह का सिस्टम नहीं है, ये जो ये दूसरे कंट्रीज़ हैं जिस तरह न्यूजीलैंड है उधर हैं, यूके में है, यूके के काफ़ी सारे कंसल्टेंट हैं, उनके डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ होती हैं लिंक्स, इवन के जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं न्यूजीलैंड की या आप यूके की देख लें तो उनके ऊपर उन कंसल्टेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है प्रॉपर, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ वो कोई जो है उनकी कोई मतलब प्रोफेसर के साथ या फिर कुछ इस तरह से कुछ करते होंगे, लेकिन मुझे जो है इस तरह का कोई नहीं। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से अप्लाई करें। नहीं सर, आप जो आप लोग अप्लाई करोगे तो आप लोगों का नाम नहीं आएगा, बट हम लोग आपका 1 वीक में मतलब रिकमेंडेशन लेटर, लेकिन वो चार्जेस $1,600 बहुत ज्यादा है सर। नहीं नहीं सर, नहीं होता, आप जो है ना वो खुद से अप्लाई करें और थोड़ी मेहनत करें, इंशाल्लाह जो है ना वो ये हो जाएगा। ठीक सर, थैंक यू। आई आल्सो वांट टू ऐड वन थिंग, जो स्टूडेंट्स का स्पेशली कंसल्टेंट्स से रिलेटेड या इस तरह की जो कंफ्यूजन है, इफ यू गाइस नीड हेल्प तो आई फाउंडेशन के साथ आप लोग कर सकते हो। Like I have sent the form link in the chat box as well, because especially number one is free of cost and number two it's virtual. Aur zyada my students hain bhi well through remote regions ke, right? And we are always there to connect you with people like Mudassar as well. So we are always trying to like you know contact them and
like basically arrange webinars for you guys. तो अगर आप लोगों ने फ्यूचर वेबिनार्स वगैरह ज्वाइन करने या इफ यू गाइस नीड काउंसलिंग रिगार्डिंग योर एप्लीकेशंस रिकमेंडेशन लेटर व्हाटएवर द केस इज तो मैंने लिंक अंदर भेज दिया था चैट बॉक्स में इफ यू गाइस नीड हेल्प विद दैट एंड अगर आप लोगों को मीटिंग रिकॉर्डिंग भी चाहिए तो बाद में हम लोग यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे तो उसके लिए भी आप लोग फिर फॉर्म फिल कर दीजिएगा तो उसके मुताबिक देन वी विल सेंड यू एन ईमेल विद द लिंक सो या दैट्स अबाउट इट थैंक यू अच्छा हयात शाह आई थिंक यू स्टिल हैव अ क्वेश्चन नहीं अच्छा सो आई थिंक दिस इज अबाउट इट मतलब इफ यू आर डन विद द प्रेजेंटेशन एज वेल आई थिंक हम लोग कर सकते हैं रैप अप या आई कांट हियर यू आफ्टर जी जी बिल्कुल मैंने जो है वो बस जो है ना कंप्लीट है ठीक है परफेक्ट सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अगर आप लोगों के अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं यू हैव लाइक 15 टू 30 सेकंड्स आप लोग भेज दें चैट बॉक्स में वी आर गोना एड्रेस दैट अदरवाइज थैंक यू सो मच मुदस्सिर फॉर जॉइनिंग एंड गिविंग अस योर टाइम and hopefully we will be having more webinars with you or jab ki applications proper khulte hain to we can have a follow up session as well agar aap available hon okay sure okay perfect thank you everyone for joining ma'am ye channel aapka kaun sa hai youtube par naam bataye we are just going to start publishing the webinars now so it's basically the IAT foundation and I'll send the name here ma'am can I share my youtube channel too yeah sure you can okay दसे एक क्वेश्चन है कि मेडिकल से रिलेटेड फील्ड्स हैं इन स्कॉलरशिप में मैम मेरा जो है जी जी बिल्कुल इसके रिलेटेड है एक होती है प्योरली जो है ना वो मेडिकल की ये मेडिकल फील्ड के रिलेटेड जैसा कि एमबीबीएस है इस तरह से उस तरह की तो नहीं है लेकिन जो है ना ये जो दूसरी फील्ड्स हैं ये हैं फील्ड्स में ये आप सर्च आउट कर सकते हैं ये जो मैंने तरीका बताया था campuschina.org सो उसके थ्रू जो है ना आप ये देख सकते हैं इसमें ठीक है परफेक्ट सो आई थिंक फिलहाल और कोई क्वेश्चन है अदील आप कह रहे थे कि आपने अपना YouTube चैनल का लिंक शेयर करना है तो यू आर वेलकम टू शेयर दैट इन द चैट बॉक्स बिफोर वी एंड एंड फॉर द रेस्ट ऑफ यू ओके ग्रेट गॉट इट फॉर द रेस्ट ऑफ यू मैंने फॉर्म का लिंक पेसेस शेयर कर दिए एंड यू गाइस आर मोर देन वेलकम टू रजिस्टर अगर मीटिंग रिकॉर्डिंग भी चाहिए तो यू नीड टू फिल आउट द फॉर्म ताकि हमें पता हो कि जो जिन्होंने अटेंड किया है उन्हीं के पास जा रही है ठीक है सो या दैट्स अबाउट इट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग And इसके अलावा अगर आप लोगों को कभी कोई क्वेश्चन वगैरह हो यू गाइज आर मोर देन वेलकम टू रीच आउट टू अस ऑन लिंक्डइन और ऑन इंस्टाग्राम नाम मैंने भेज दिया हुआ है चैट बॉक्स में द आयत फाउंडेशन ओके सो या यू गाइज कैन स्टार्ट लीविंग द मीटिंग एंड थैंक यू सो मच अगेन मुदस्सिर फॉर जॉइनिंग अस